डाकरी, रामपुर आश्रम की एक बनेंगे, एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। तो इस वक्त हम जनपद बहराइच के जरवल विकास खंड के अंतर्गत जरवल लोट के पास ये बहुत बड़ा गायत्री आश्रम बना हुआ यहाँ पर, और आज यहाँ पर 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है जो इसके मुख्य आयोजक है वो मेरे बीच में। तो पहले तो आपको नमस्कार बोलता हूँ सर, और बहुत अच्छा ये धर्म को जागृत करने के लिए आप इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम कब से चल रहा है सर? भाई साहब ये 5 तारीख से 9 तारीख तक चलेगा, कल शुरू हुआ है 5 तारीख से। जी 9 तारीख तक चलेगा। और ये कार्यक्रम करने के विचार इसलिए आए, 4 महीने 5 महीने पूरा देश कोरोना काल की स्थिति में घूमता रहा और सारे के सारे लोग दुखी थे, आना जाना लोगों का, लोगों की मजदूरी छूट गई, लोगों को तमाम संकट झेलने पड़े। तो विचार आया कि अब कोरोना काल से थोड़ा सा निजात मिली है, सरकार की तरफ से भी थोड़ी थोड़ी छूट मिली है, लेकिन उनके अनुशासन का पालन करते हुए हम विश्व कल्याण के लिए कुछ करें। तो ऐसी भावना के साथ हमने ये 24 कुंडीय कार्यक्रम इसलिए रखा, लोगों के मन में भावना आती है इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों रख लिया, लेकिन ये 24 कुंड इसलिए भाई सब बनाए गए हैं कि इसमें एक कुंड पर ताकि 6 लोग से ज़्यादा ना बैठे। आपने अभी देखा होगा 6 लोग से ज़्यादा नहीं बैठे, अगर इतनी भीड़ 5 कुंड एक में हो जाती तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ जाती, इसलिए ऐसा किया गया है। और रह गई कलश यात्रा हम लोगों निकालते हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि भाई सरकार जब जुलूस रोक रही है तो हम लोगों ने कलश यात्रा नहीं निकाली, यहीं यज्ञशाला की प्रतिमा करके और कलशों को स्थापित कर दिया। निवेदन ये था कि 24,000 आहुतियाँ इस यज्ञ में पूरी करनी है, इसलिए 24 कुंड बनाए गए हैं। और आज 51 आहुतियाँ प्रत्येक व्यक्ति ने दिया है, करीब 125 लोग थे। इस प्रकार 4 दिन यज्ञ चलेगा और ये 24,000 आहुतियाँ केवल विश्व कल्याण के लिए दी जा रही हैं, कोरोना काल से संकट से निजात पाने के लिए, विश्व कल्याण के लिए, पूरे विश्व में सुखी हो समाज, सारे लोग प्रसन्न रहे। एक चीज और पूछेंगे सर, कथा जो आप यहाँ होती है उसका समय क्या निर्धारित है, कथा के उद्देश्य क्या है? ये कथा भाई साहब शाम को 6 बजे से 9:30 बजे तक होती है, और बहुत बढ़िया आचार्य हमारे भाई साहब आए हैं जो खड़े हैं हमारे निकट, आप आइएगा, जरूर कवरेज कीजिएगा। ये विश्व कल्याण की भावना के साथ कथा हो रही है, एक ऐसी कथा है जिसमें केवल जीवन जीने की कला सिखाई है, किसी देवता की कथा नहीं है कि कौन से देवता कब आए, उनका कैसे जन्म हुआ, कैसे हुआ, तो इतिहास है, इतिहास न पढ़ के ये मानव जीवन पर आधारित पूरी कथा कहते हैं। आज वर्तमान समय में मानव को क्या करना चाहिए, मनुष्य कैसे अपने जीवन का उद्धार करे, कैसे समाज की सेवा करे, कैसे समाज का कल्याण हो, इसलिए कथा हो रही है। सबसे निवेदन है जो लोग यहाँ हैं या नहीं है अपने पास पड़ोस के क्षेत्र के लोगों को बुला के बनाने कथा में भागीदारी। कार्यक्रम के आयोजक हैं, इन्होंने अपनी बात को रखा है, और इस कोरोना महामारी में कोरोना की समाप्ति हेतु ये माँ भगवती गायत्री देवी से ये प्रार्थना कर रहे हैं, और यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। देख रहे लाखों सोशल मीडिया से जुड़े हुए मैं दर्शकों से अपील करता हूँ, ये कार्यक्रम अभी और चलेगा, अगर आपके पास समय है तो रात्रि कथा में वाह यज्ञ में आप अवश्य आए, और इस वीडियो को आप लाइक करते हुए शेयर करें, क्योंकि सोचता है भारत, जीतेगा हिंदुस्तान और हारेगा कोरोना। न्यूज न्यू इंडिया से अशोक मिश्रा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के जरवलोट के समीप श्री रामपुर में स्थापित वेद माता गायत्री आश्रम के बाहर की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, और ये आश्रम बहुत ही विशाल व बहुत ही सुंदर अलौकिक बना हुआ है। मैं आपको अब अंदर ले चल रहा हूँ, और वहाँ अंदर की भी तस्वीरों को मैं आपको संक्षिप्त में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वेद माता का मंदिर बना हुआ है, गायत्री माता का मंदिर बना हुआ है, यहाँ भक्त आप देख रहे हैं पहले से मौजूद हैं, और माँ गायत्री देवी को वो नमन कर रहे हैं दोस्तों, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। अब मैं थोड़ा आपको माँ गायत्री देवी की मूर्ति को भी मैं नज़दीक से आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, और आप देख रहे हैं माँ व गुरु माता दोनों की तस्वीर भी यहाँ पर पहले से ही मौजूद है, और ये मंदिर बहुत ही अलौकिक बना हुआ है। माँ की प्रतिमा को आप देख रहे हैं, दिल को छू लेने वाली माँ की प्रतिमा है ये श्रीरामपुर जो चरवलोट के समीप स्थापित है। और अब आप देख रहे हैं मंच की तस्वीरों को देख रहे हैं, यहाँ पर जो है आरती का कार्यक्रम चल रहा है, और कथावाचक की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये कथावाचक हैं जो माँ गायत्री देवी की आरती का कार्यक्रम चल रहा है, और उसी को
पढ़ रहे हैं, आरती करा रहे हैं। दोस्तों तबला वादक भी साथ में मौजूद है, अर्गन भी। और अब मैं आप पीरों में देख रहे हैं, इसका कवरेज करने के लिए प्रिंट योम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तहसील अध्यक्ष कैसरगंज वरिष्ठ पत्रकार पंडित अशोक मिश्र अन्ना को यहाँ पर देख रहे हैं, आचार्य अरुण कुमार यहाँ पर रोली तिलक लगा करके और उन पर जो है चावल की वर्षा कर करके और माल्यार्पण करके आप देख रहे हैं पंडित अशोक मिश्र अन्ना का स्वागत अभिनंदन किया। और अब मैं आपको तस्वीरों में यज्ञ की तस्वीरों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मान सिंह जो इस वेद माता गायत्री आश्रम के मुख्य संचालक हैं वो यहाँ पर आरती कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी भी आरती करने के बाद अब वो देख रहे हैं आहुति दे रहे हैं यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं दोस्तों ये कार्यक्रम 5 नवंबर से शुरू हो चुका है और ये कार्यक्रम 9 नवंबर तक चलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया जर्वल रोड के पास श्रीरामपुर के पास ये विशाल आप देख रहे हैं दोस्तों प्रज्ञा पुराण कथा क्योम 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की तस्वीरों को आप देख रहे हैं जो निरंतर अभी और चलेगा। अगर आपके पास समय है तो सायं 6 बजे कथा का श्रवण करने श्रीरामपुर में स्थापित वेद माता गायत्री आश्रम अवश्य आएं। न्यूज़ इंडिया।